बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हसनैन का किचन। आज हम जो रेसिपी है बनाने जा रहे हैं वो है कीमे के समोसे, और इसके लिए मैंने खुद से जो है वो दो नहीं बनाई और ना इसकी समोसे की पट्टियाँ बनाई हैं, बल्कि बाज़ार से लिए हैं। इससे ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, तो इसको बनाना बहुत ही फिर ईजी हो जाता है। तो लीजिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है और दो जो प्याज हैं उनको बारीक चॉप करके उनको मैंने हल्का सा जो है वो सोते का लेना है, थोड़ा सा फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए प्याज़ों का। फिर मैंने ये चॉप्ड जो है ये लहसुन डाला है 1 टेबल स्पून, उसको भी हल्का सा किया फ्राई। फिर मैंने 1 kg जो है वो ये चिकन का कीमा लिया है, क्योंकि मैंने रमज़ान के लिए बनाने हैं और ज़्यादा बनाने हैं। आप अगर कम बनाना चाहते हैं तो थोड़ी मकदार में 1 पाव या 2 कप इस तरह ले सकते हैं। तो ये मैंने इसको थोड़ा सारा मैंने इतना फ्राई किया कि इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 2 टीस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स यानी धड़ा मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है, 2 टीस्पून मैंने इसमें साल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। कीमे ने भी पानी छोड़ दिया है और ये स्पाइसेस भी सारे, ये पानी जो है इसको मैंने खुश करना है, साथ साथ स्पाइसेस भी ऐड करने हैं। मैंने बंद गोभी ऐड की है, ये भी बारीक बारीक कटी हुई है, ज़्यादा मोटी नहीं ऐड करनी, और भी आप वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। ये बंद गोभी डाल के इसके बाद मैंने पानी को खुश करना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, ज़ीरे से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें केचप डाला है, इससे इसका कलर भी अच्छा होगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं इनको पानी को खुश कर लूँगी, क्योंकि फीलिंग मुझे खुश चाहिए। अब ये ड्राई हो गया है, फिलिंग मेरी रेडी है। अब मैं इसमें समोसे की पट्टियाँ लूँगी और इसमें फिल कर लूँगी। इसको देखो मैं कैसे कर रही हूँ, मैंने मैदे और पानी को मिक्स करके इसकी सलरी बनाई थी और इसको मैंने फिल कर लेना है। इसको मैंने इसी सलरी से मैंने करना है फोल्ड, ताकि खुले ना। अब मैंने जो समोसियाँ हैं ये सारी मैंने इसको जिप लॉक बैग में जो है वो फ्रीज़ कर लेना है। मैं थोड़ी सी बनाना सिखा देती हूँ आपको। इनको गोल्डन करना है घी में, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करते, ये बहुत क्रिस्पी बनती हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। देखिए ये रेडी है, थोड़े से मैं नगर्स डाले थे साथ फ्राई करने के लिए। तो ये आप लोग किसी भी सॉस के साथ जो है वो खा सकते हैं, मैंने केचप यूज़ किया है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये कीमे के समोसे की जो रेसिपी पसंद आएगी। आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।